चलो ठीक है, आगे सब रेडी हो गया। चलो खरीद दीजिए बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब ही आप समझ पाने बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कोई बताएगा मुझको कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बच्चों कोई बता पाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड कोई बता पाएगा बच्चे? यूनिफॉर्म का मतलब आप क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? एक समांतर, हिंदी में अगर हम बोलें तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों? समांतर होता है ना यूनिफॉर्म, है ना बच्चा? थ्रू आउट द सेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि मान लो पहले एग्जाम में भी 60% लाया, 70%, फिर 60% लाया, हर एग्जाम में 60% ला रहा है, कॉन्स्टेंट है बच्चों। यूनिफॉर्म का मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट स्पीड भी आप बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट। चलिए इसका डिफाइन लिख लेते हैं, क्या बोलता है? ये बॉडी है, ये बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड, हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इफ इट ट्रैवल्स, ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। यूनिफॉर्म स्पीड कब कहते हैं बच्चों? जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ट्रैवल करता है तो मतलब क्या होता है बच्चों? कि वह यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करता है, यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंटरवल कितना छोटा है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक यूनिफॉर्म स्पीड में अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी बॉडी मूव कर रहा है। यस यस भैया, मैं ना जस्ट रही थी, मैं देखो तो ले रही थी कोचिंग है, होम होम मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन किसी इंपॉर्टेंट की खाना। ओके आई एम कॉलिंग यू, या चलिए देखिए बच्चों ए से बी बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ए से बी 10 किलोमीटर है तो पहला बॉडी सपोज यहाँ पे है, सी पे है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर आने के लिए उसको लग गया सपोज टाइम, उसको लग गया सपोज 30 मिनट्स, कितना मिनट्स। फिर सी से डी आया सपोज 2 किलोमीटर, यहाँ पे भी उसको लगा 30 मिनट। फिर सी से ई गया, ई से ई गया 2 किलोमीटर, इसको कितना लग गया अगेन 30 मिनट। और ई से बी गया सपोज 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगेगा। तो क्या इस एग्जाम्पल को मैं यूनिफॉर्म स्पीड कह सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसे यूनिफॉर्म स्पीड कह सकता हूँ बच्चों? बताइए कोई हाँ या ना। यस सर। यस सर। कैसा हुआ, कौन बोल पाएगा कि क्यों है यूनिफॉर्म स्पीड? क्योंकि सर तीनों में सर ए सी और डी में और ई में सर 30 मिनट्स और 2 किलोमीटर है। और ई से डी में सर 1 आवर और 4 किलोमीटर। तो बात सही है सर, डबल हो गया है। तो बात तो सेम ही है ना, बात सेम ही वाला। अगर दो घंटा को 30 मिनट लग रहा था तो 4 घंटा को 1 घंटा, 4 किलोमीटर को 1 घंटा, बात तो सेम ही है। तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं बच्चों। क्यों भाई? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आ गया बात समझ में?
एनी कोई डाउट? यस सर। यूनिफॉर्म शीट सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। किसको डाउट तो पूछो। मुझे डायग्राम समझ में नहीं आया। श्रेष्ठा देखो डायग्राम में क्या है, ए से बी एक ले लिया डिस्टेंस सपोज, और ए से गाड़ी गया, ए से सी गया 2 किलोमीटर 30 मिनट में, सी से डी गया 2 किलोमीटर 30 मिनट में। देखो डिस्टेंस और टाइम हम देख रहे हैं बस। ए से सी में डिस्टेंस कितना था? 2 किलोमीटर। हाँ, और टाइम कितना लगा? 30 मिनट। 2 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, फिर 2 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, फिर 2 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, फिर 2 किलोमीटर का 4 किलोमीटर डबल, तो 30 मिनट का डबल कितना? 1 घंटा। तो सेम टाइम सेम डिस्टेंस कवर करा ना? यस सर। अब समझ गए बात? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सर के बाद क्या लिखे? क्या बोले सर? हाउ के बाद क्या लिखे हैं? हाउ तो नहीं, हाउ स्मॉल दिस इंटरवल्स। अरे डायग्राम कॉपी में बनाएंगे। हाँ बोले, क्या बोले थे भाई? सर वही पूछ रहा था, हाउ के बाद क्या है? देखिए क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन? कि स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन लिखने के बाद बताइए। सर हो गया। देखिए बच्चों क्या बोला है, एक स्कूटरिस्ट है मतलब जो स्कूटर चला रहा है उसको स्कूटरिस्ट बोला जा रहा है। कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कितना डिस्टेंस कवर करा बच्चों? डिस्टेंस कवर कितना? 3 किलोमीटर। और उसे टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। तो बोला हमें स्पीड निकालने के लिए बच्चों सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? एक मिनट। हाँ पापा, विद्यार्थी चाचा के नंबर ना कहाँ थी? नहीं ना कहा ना, गोविंद गोविंद किसी से क्या ये बात ही फोन करो, ये बात फोन करो। हाँ तब फोन ने फोन करा देखा था है तो नॉर्मल बात करो है ना। अब बताओ ना तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, देखिए हमें स्पीड निकालना था बच्चों, तो पहला बिट में बोला है सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालो डिस्टेंस, ठीक है ना? तो डिस्टेंस को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। जो 3 किलोमीटर उसको किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों? सेंटीमीटर में चेंज करना। चलिए हमें पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बच्चों? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। 100।
तो उस तरह 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1100 सेंटीमीटर। बात समझे कैसे बात? यस सर। एक सेंटीमीटर में 1000 मीटर था बच्चों, और एक मीटर में था 100 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 1 किलोमीटर में कितना हुआ, कितना सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो उस तरह 3 किलोमीटर में कितना आ जाएगा बच्चों, 3 × कितना, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया, 300,000 सेंटीमीटर। दूसरा टाइम दिया था अपना बच्चों कितना, 5 मिनट का, तो मिनट को हमको किसमें चेंज करना है बच्चों, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करना है मतलब किसमें करेंगे, देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड बच्चों, 60। तो 5 मिनट में 5 × 60 मतलब कितना हो गया, 300 सेकंड्स। ना अब स्पीड निकाल लेते हैं, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। सर स्पीड होता था डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मिला हमें 300,000 सेंटीमीटर, बाय टाइम कितना मिला, 300 सेकंड। 2020 कट गया, 3 × 1 = 3 में कितना जीरो, 1 में कितना जीरो बच्चों, 1, 2, 3, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया क्लियर? यस सर। तो सर आप सेकंड पे ट्राई कर पाएंगे, मीटर पर सेकंड ट्राई कीजिए एक बार, इसका हो जाएगा बताइए। ये सुना था रोशन, ये क्या बोलते हैं दादाजी का कहाँ गए है ना भाई, सॉरी भाई सॉरी, इसको डाउट था तो इसीलिए सॉरी ना। अच्छा लास्ट रिचुअल्स कैसा हुआ, लास्ट रिचुअल्स हो गया कि कैसा, लास्ट नहीं नहीं लास्ट रिचुअल्स, लास्ट रिचुअल्स मतलब डेड बॉडी हो गया तो एक्सट्रीम सॉरी ना, बोल देना पापा को देखिए
तो 1 मिनट में कितना बार होगा बच्चों? 1/60 आवर। 5 मिनट में कितना देगा बच्चों? 5 × 1/60 आवर्स। 5 × 1 = 5 12 ये समझ में आया बच्चों कैसे कन्वर्ट हुआ? ये कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए अब हमको निकालना था किलोमीटर पर आवर में, बढ़िया। अब हमको निकालना था स्पीड किसमें? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हो गया बच्चों? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मिल गया हमको कितना? 3 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया? 1/12। ये उल्टा हो गया, क्या जगह 3 × 12/1 मतलब क्या? 3 × 12 कितना? 36 किलोमीटर बराबर ये हो गया स्पीड। देख लीजिए यस सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या बोला है? एक कार ट्रेवल्स, आप लिख दीजिए फटाफट क्वेश्चन। एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो बच्चों देखिए कल मैं आपको लिखा है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कौन बताएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? उसे बोला कि पहला 30 किलोमीटर जा रहा है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और फिर बोला नेक्स्ट 30 किलोमीटर जा रहा है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड बोला, ठीक है ना? तो बताइए मैं क्या फॉर्मूला लिखा है आप लोगों को? टोटल डिस्टेंस बच्चों, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो आप तुरंत जान लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख के बताइए तो टोटल डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन देख के बताइए 70 किलोमीटर। वेरी गुड। तो टोटल डिस्टेंस तो इजी आसान है बोलना, लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम में प्रॉब्लम, हमको टाइम नहीं पता चल रहा है ना, तो हमको टाइम देखना पड़ेगा। अब टाइम कैसे देखेंगे? देखिए तो टाइम के लिए हमको दोनों पहला केस वन केस टू दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए केस वन बच्चों, केस वन में हमको क्या है? डिस्टेंस हमको दिया है बच्चों कितना? 30 किलोमीटर और स्पीड दे दिया बच्चों, स्पीड कितना दे दिया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बताया फॉर्मूला क्या बच्चों? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, हाँ या ना? अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइम का वैल्यू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक लिखा हूं, गलती लिखा हूं? देखो यहां तक ठीक लिखा हूं? यस सर ठीक है। सर समझ में नहीं आया। देखो श्रेष्ठा, क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस और स्पीड दिया था, ठीक है ना? हमको टाइम चाहिए था, टोटल टाइम के लिए हमें टाइम चाहिए था ना, हम टोटल टाइम निकाल पाएंगे। तो टोटल टाइम निकालने के लिए मैं क्या किया? यहाँ पे केस वन लिया। केस वन मतलब पहला, जो पहला कार है 30 किलोमीटर जा रहा है स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर और स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? स्पीड का हमें फॉर्मूला पता था श्रेष्ठा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जो टाइम था ऊपर चला गया, स्पीड जो था वो नीचे आ गया, तो टाइम का वैल्यू क्या मिल गया? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। बढ़िया। तो अब हम टाइम निकालते हैं पहला केस के लिए। टाइम सपोज टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कितना था बोलते 30, स्पीड कितना था 40, तो कर दिया तो कितना होगा? 3/4 आवर्स। अब सुन में उस तरह केस टू देखते हैं बच्चों। सेकेंड केस में क्या बोला? कितना स्पीड जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है? 30 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया? सेकंड केस में स्पीड कितना? 20 किलोमीटर बराबर। फिर से निकालेंगे हम, क्या जानते हैं हम? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना? मैं साइड में कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना था अभी सेकंड केस के लिए? 30 और स्पीड कितना था? 20। इधर कैंसिल हुआ तो टाइम का मिल क्या मिल गया? 3/2 आवर्स। तो समझ में आ गया।
यस सर। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना था बच्चों, हमें क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब दोनों निकालना, स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आता है क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा बच्चों, देखिए टोटल डिस्टेंस के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस पहले निकालना होगा। टोटल डिस्टेंस कितना था भाई, पहला केस में डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 प्लस सेकेंड में कितना था 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। एंड टोटल टाइम कैसे निकालना बच्चों, दोनों टाइम को ऐड करना, ये टाइम कितना हो गया 3/4 प्लस 3/2 आवर्स ऐड करना है मुझे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों देखो, 4 और 2 2 जा 2 1 जा मतलब 4 एलसीएम, 4 1 जा तो 3 प्लस 2 2 जा मतलब 6 आवर्स, मतलब कितना हो गया बच्चों 9/4 आवर्स नहीं आ रहा था देखो तो। यस सर। अब हम खाली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डाल देते हैं ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, बस टोटल डिस्टेंस v इक्वल टू s बाय 2। हां हां टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिल गया था बच्चों 60। टोटल टाइम कितना मिला 9/4 उल्टा भी हो जाएगा तो 60 इंटू 4 बाय 9 है ना, कैंसिल करते हैं 3 जा 3 20 जा मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 80 बाय 3 आवर्स, ये हुआ आंसर। देख लीजिए बच्चों समझ में आ रहा है सर, किलोमीटर पर आवर होगा ना, सॉरी स्पीड बोला है, सॉरी मैं गलती लिखा किलोमीटर पर बच्चे लिख लिया अच्छा सी। यस सर। यस सर। डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चों, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
है ना, क्योंकि हम डिफाइन के हिसाब से जानते थे ना बच्चों, वो डिस्टेंस जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लिख लीजिए। सर हो गया। अच्छा बच्चों एक बार अपना वापस आइए, स्पीड का जो हम डिफाइन लिखे थे उसमें आइए बच्चों, जो हम लिखे थे स्पीड का डिफाइन क्या लिखे थे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। आगे थोड़ा हमको लिखना था बच्चों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों इसे मैं स्केलर क्वांटिटी क्यों कह रहा हूँ कौन बता पाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मैं क्यों कह रहा हूँ? सर क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है। वेरी गुड। और या फिर तुम सिंपल देखना बच्चों, इसका फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला में क्या है, स्पीड इक्वल्स टू क्या बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर होता है, मतलब ये भी स्केलर ही होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में जोड़ दो आगे, इट इज ए कौन सा क्वांटिटी होगा बच्चों, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होगा कौन बताएंगे, क्या बता क्या होगा कौन बता पाएगा, इट इज ए वेक्टर। क्यों हुआ वेक्टर, क्यों हुआ वेक्टर सर, उसका डायरेक्शन भी है और डिस्टेंस भी, किसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन ही आएगा, है ना। यस सर। चलो बच्चों आज थोड़ा क्लास जल्दी खत्म करना पड़ेगा, अभी जस्ट पता चला कि हमारे ज्ञान पहचान के थ्री अंकल एक्सपायर करके कोरोना के, तो उनके घर थोड़ा जाना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो वही मैं पापा से बात कर रहा था कि हम जाएंगे, तो क्लास थोड़ा रखते हैं बच्चों, क्योंकि वहाँ पर जाना जरूरी है, ठीक है।